नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। मध्य प्रदेश के सिवनी लखनादौन से बड़ी खबर, गुटखा व्यापारी की दुकान से 63 लाख की चोरी, पुलिस के हाथ लगे 35,83,000 और 6 आरोपी गिरफ्तार। देखे पूरी रिपोर्ट क्या है। लखनादौन पुलिस ने बड़ी चोरी का किया पर्दाफाश, चांदी के सिक्के, बाइक और टीवी जब्त। लखनादौन पुलिस ने राजश्री गुटखा के थोक व्यापारी की दुकान में हुई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए 6 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से बड़ी रकम बरामद। चोरी हुई रकम से राशि कम बरामद हुई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस का मानना है कि राशि और घटना में शामिल चोर और हाथ लग सकते हैं। सिवनी जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में कॉन्फ्रेंस कर चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने बताया कि लखनादौन थाना अंतर्गत समनापुर स्थित राजश्री गुटखा पाउच के थोक विक्रेता सुरेश जैन के भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स में 8 एवं 9 अक्टूबर की रात अज्ञात चोर सप्ताह भर की जो वसूली की गई थी गुटखा पाउच की राशि को चुरा ले गए थे। 9 अक्टूबर की सुबह जब दुकान के मैनेजर जमुना गोलहानी ने दुकान को खोला तब उसे दुकान में चोरी होने की संभावना हुई। मैनेजर ने तत्काल दुकान के मालिक सुरेश जैन को घटना के बारे में बताया। सुरेश जैन ने तत्काल लखनादौन थाने पहुंचकर मामले की FIR दर्ज कराई। चोरी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए दुकान मालिक सुरेश ने बताया कि एक सप्ताह में गुटखा की वसूली 63 लाख रुपये आती है। अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर रकम का हिसाब किताब देखा तो करीब 42 से 45 लाख रुपये थे। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज़ के लिए सिवनी लखनादौन से प्रकाश चंद्र राय की रिपोर्ट। दशहरा था लखनादौन में और वहाँ पे एक गुटखा कंपनी के जो वहाँ पे कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे चोरी की वारदात हुई थी। तब से ही पूरी टीम जिले से स्पेशल टीम बनाई गई और पूरी टीम लखनादौन थाने की SDOP लखनादौन के निर्देशन में काम कर रही थी और इस टीम ने कई बार संदेहियों से पूछताछ की, कई सारे संदेहियों से पूछताछ की गई लेकिन खुलासा नहीं हो पा रहा था। पिछले दिनों हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लड़के हैं सिरमंगनी गांव के और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया हो सकता है, क्योंकि उनके रहन सहन में, उनके खर्चे के पैटर्न में कई बदलाव देखे गए थे। अचानक से काफ़ी ज़्यादा उनका खर्चा बढ़ गया था और इन्हीं मुखबिर की सूचनाओं पे हमने एक्शन ले करके इन सबको राउंड अप करके हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ की। पूछताछ में बारीकी से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल लिया।